देखिए हमको तो हागू खिला दिया ही सब। देखिए गाय कितना गंदा लगता है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर किया थी क्या उसके पैर में कर रही है किया के पैर में ही पैर रख दिए। नीचे घुस के बैठती है तो पता नहीं चलता है कहाँ है और नीचे देख के आती नहीं ऊपर ऊपर देख के चलती होती है। हाँ चिल्लाई हम डर गए। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है बाबा आज बहुत जा रहे हो बाबा ना। तो गाइस आज बहुत ज्यादा ठंड है बहुत कनकनी है। रू तुम भी बता दो ठंड का हाल बता दो कुछ। ठंडी काफी ज्यादा है आप देख सकते हैं। हम मफलर भी लगाए हैं टोपी भी लगाए हैं दो मोटा मोटा जैकेट लगाए हैं काफी ज्यादा ठंड है गाइस। बाबा बिना ब्लैंकेट का नहीं बैठे ब्लैंकेट अब खोल के ओढ़ के बैठेंगे बस। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं बिग प्रैंक। तो गाइस आपको जैसे मैंने बताया कि आज करने वाले हैं प्रैंक वेल अभी मैं सुन रही हूँ आवाज़ कुसुर कुसुर करके रूडी और छुटकी ब्लैंकेट के अंदर देखने पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इन लोग कम्बल खींचते हैं इन लोग को डरा देते हैं देखते हैं क्या कर क्या कर देखो तो माँ तू तनुआ का खा रहा है सब चॉकलेट बापरी बाप आग लगा देगी घर में। तो वेल गाइस चलिए मैं तनाया को चुपके से बुला देता हूँ दिखा देता हूँ ये लोग चॉकलेट खा रहे हैं चुपके तनाया के देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तनु तनु क्या कर रहे हो आओ इधर दो मिनट मामा को दो ना बाबू को तुम्हारा कुछ लॉस हो रहा है जल्दी आओ क्या जल्दी तुम्हारा कुछ लॉस हो रहा है मजा लगा चल रहा है इधर चुपके से देखो ना क्या कर रहा है ये कौन सा बात हुआ अब मैं ये खाऊं मैं अपने वाले नहीं खाया जाता तुम लोग को तन्नु को मिलाइए खाने के तन्नु के कैंडी में से सिर्फ ये बचा हड्डी चुपा के क्यों रखी थी खा लेना चाहिए था तुमको कल खाती स्कूल में मुझे लगा स्कूल लेके गई है स्कूल तो लेके गई थी बैग में थी वो बैग फिर वापस लाके फिर रख दी इन लोगों ने ये प्रैंक वीडियो भी शूट होने वाला है ससुर जी यहाँ पे जो प्रैंक हो रहा है यहाँ पे टाइपर है बाबू का और इसमें हल्दी लगा दिया गया है मतलब कि इसको पोटी बनाया गया है। अरे वेस्ट मत करो बाबू हल्दी वेस्ट नहीं करो इतना हो गया ठीक है रुको रुको अरे पानी ज्यादा अरे ये पूरा उड़ेगा फिर पानी डालो थोड़ा सा और बंद करो डब्बा हल्दी का और गिला कर थोड़ा सा बाबा वैसे मारेंगे तो चिपकना चाहिए ना बाबा के इसमें कौन मारेगा अरे क्या रे बाबू जी आ गए अरे कुछ नहीं आ गए ये राम दे दिए खाने के लिए उसको दिया थे बाबू देख लेंगे तो तेरे भाई इंतजाम कर दो वो तो कम था ऐसी को निकाल के दिए थे ना पार्टी थोड़ी रूडी को खा लिया था क्या रूडी कैसे करेंगे खिड़की में फेंकने जाऊंगी झूठ वहाँ पे खिड़की से नहीं नहीं सुनो मैं फिर
छोटू भैया को बहुत मजा आ रहा है प्रैंक करने में, देखिए आइडिया दे रहे हैं। उसके बाद जा जा बाबा जा 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 चल 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 रुको रुको क्या कर दी बाबा हल्दी हल्दी है देखिए हमको तो हागू खिला दिया ये सब गाय जो है ना ठीक कितना गंदा लगता है सोना का पोटी लेके सब कर रहा है क्रिकेट पाल मेरे पेट में दर्द हो रहा है मस्त। तो गाइस अब हम जा रहे हैं एक और प्रैंक करने चंदा दीदी के साथ, तो आइए आपको भी दिखाते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। दे तनु दे खोल दो, हाँ दोनों हाथ आगे कर लो बड़ा वाला मम्मी के साथ चंदा दीदी कैसे फेंकी है कैसे लगा कैसे लगा तुमको। तो गाइस आइए चलते हैं आंटी के साथ प्रैंक करते हैं, आंटी किचन में है, देखते हैं आंटी का क्या रिएक्शन है। वाह आंटी वाह, आंटी एकदम रोमांटिक गाना सुन के आंटी खाना बनाती हमेशा। चलिए आंटी तबई पहले तनु ले कुछ ले ले रहा छ मन लगे। हां चल बेटा तनु दो आंटी तभी आप बंद करो आंटी का पीछे से, रुको रोटी हटाने तो पहले। अरे यार रोटी रोटी तो निकाल ले, रोटी निकाल लेने दो पहले। चलो हाथ बंद दो हाथ दिखाइए दोनों हाथ बराबर रखिए। खोलिए खोल तो गाइस आंटी पहचान ली हल्दी है, कोई रिएक्शन ही नहीं। चंदा दीदी खाली देती माथी, अरे मेरे बिस्तर में लग जा, मेरे बिस्तर में लग जा। क्या लग गया ठीक हुआ, चलो सोना का पोटी है, चलो हटो। पोटी नहीं लगा देखिए क्या महक रहा है, चंदन जैसा हल्दी चंदन है, हटो ना। तो गाइस आंटी का कोई रिएक्शन ही नहीं रहा क्योंकि आंटी को समझ में आ गया कि हल्दी ही आंटी सूंघ ली, नाक बहुत तेज है आंटी का। तो गाइस आपने देखा कि कैसे मैंने प्रैंक किया बाबा पे, आमा पे, आंटी पे, चंदा दीदी पे, सब पे प्रैंक। जानते हो चंदा दीदी चंदा दीदी डर गई बोलना कि मेरे बिस्तर में लग जाएगा, मेरे बिस्तर में लग जाएगा। अभी का ब्लॉग गाइस यहीं पे एंड करते हैं, होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो, प्रैंक डायपर प्रैंक
प्रैंक नहीं डायपर डायपर पोटी तो आज वीडियो का हेडलाइन यही रहेगा डायपर पोटी प्लान प्रैंक प्रैंक पोटी सो बहुत ही मजा आया शायद तुमको लग रहा है एकदम यूनिक प्रैंक होगा ये सो होप गाइस कि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस बाय बाय मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और बाय बाय बस